हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको आज बकरे की नली का पुलाव बना के दिखा रही हूँ। ये गोश्त है, नलियाँ जो हैं वो हैं 1.5 किलो। इसमें जो जाएगा 1 प्याज, 8-10 जवे लहसुन की, 1/2 चम्मच अजवाइन, 3 तेज़पत्ता, 2 से 3 अदरक, चल बकरे के भी 2 से 3 अदरक, और 2 चम्मच जाएगा इसमें नमक, और 2 चम्मच जाएगा सूखा धनिया, जाएगा 3 किलो पानी। इसकी 5 मिनट चला दूँ, ये यखनी बना रही हूँ। अब मैं ये चूल्हा जला दिया, जैसे ही इसको एक जोश आएगा ना, फिर मैं इसको प्रेशर दूँगी। प्रेशर देने के सीटी के बाद आपने 15 मिनट देनी है। पुलाव के लिए मैंने किया था 1 किलो चावल लेके उसको 35 मिनट भिगो दिया। अब उसको बनाऊंगी। ऑयल अच्छी तरह से हो गया गरम। अब इसमें मैंने दरमियानी साइज के 2 अदरक चावल बारीक कटे हैं, इसको फ्राई करें। प्याज फ्राई हो रहा है, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें जाएंगे मसाले, मसाले मैंने सारे डाल दिए, मिक्स मसाले, सब बातचीत कर दी, 2 चम्मच। अब इसमें जाएंगे 3 टमाटर, 5-6 हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक। अब थोड़ा सा टाइम लगाए ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे। टमाटर के छिलके जो है ना वो सारे हम निकाल लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया, चौथाई हिस्सा लाल मिर्च का, एक प्याली दही। ये 1 मिनट हो गया, अब इसमें मसाला डालेंगे यखनी। यखनी के 2 डब्बे थे, 1.5 किलो चावल हैं। नमक इसमें अभी मैंने नहीं ऐड, क्योंकि यखनी में नमक था। अब चेक कर देगा तो फिर मैं डालू। जोश आ गया पानी, 1-2 बजे शाम से फिर मैं इसका नमक चेक करूंगी।
अब इसको चौथाई चम्मच और डाल देंगे। अब देखिए अब इसको मैं दम लगाऊंगी। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट दम दूंगी।